वालेकुम। तो आप सब दोस्तों कैसे हैं, सब ठीक है? तो मैं अभी निकला हूँ सक्कर के लिए घर से। आज संडे भी था और फ्री भी था, तो सोचा कहीं चक्कर लगा के आऊँ, कोई घूम के आऊँ। तो अभी मैं इस वक्त मोटरवे पे आ गया हूँ। तकरीबन यहाँ से मेरे हिसाब से 35 किलोमीटर तक फासला होगा सक्कर। आप यहाँ आगे देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो अभी मैं लस्सानी पे पहुँच गया हूँ। यहाँ का जो मशहूर एक चीज़ है वो है पुलाव, लस्सानी पुलाव। ये आप मेन्यू देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ का जो स्पेशल चीज़ है वो है पुलाव, लस्सानी पुलाव। मैंने लस्सानी पुलाव का ऑर्डर दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं इस वक्त ये इसको कहते हैं अयूब चौक, ये मैं अयूब चौक पे पहुंच गया हूं। और इंशाल्लाह थोड़ी देर में जो है ना मैं लिमकी चाड़ी पे जा रहा हूं। वहां पे घंटाघर है, घंटाघर पे मुझे थोड़ा काम भी है, कुछ सामान वगैरह मुझे लेना था। तो उस वजह से एक तो पीछे से रास्ता है पर वहाँ पर जो ना नो एंट्री है, तो इस वजह से मैं नहीं जा सका। अगर मैं जाऊँगा तो ये चालान देना पड़ेगा, फिर गाड़ी चालान हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने ये रास्ता चूज़ किया, यहाँ से कट लेना है। तो मैं अभी इस वक्त घंटाघर पे आ गया हूँ और अभी आया हूँ सक्खर, थोड़ा काम भी था और सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मैं इस वक्त सक्खर के घंटा घर पे। पहले मैं लसानी पे गया था। लसानी वहाँ पे जो है ना, लसानी का पुलाव जो है ना बहुत बड़ा फेमस है, यहाँ सक्खर में बहुत बड़ा फेमस है लसानी का। तो वहाँ पे गया, पहले मैं एक बार आया था, आपको दिखाया था कि जब भी मैं सक्खर आता हूँ लसानी पे जाता हूँ, क्योंकि वहाँ का एक तो स्पाइसी नहीं होता है, उसका जो पुलाव है, नाम ही उसका पुलाव है, स्पाइसी नहीं होता, बिल्कुल हल्के मसाले, सिर्फ टेस्ट के लिए। इस वजह से मैं बहुत उसको लाइक करता हूँ। मैं निकला था 12 बजे अपने घर से, अभी 6 बज चुके हैं, 6 बजने में भी 5:30 बज चुके हैं। तकरीबन 15-20 मिनट में रात हो जाएगी, क्योंकि ये जो मैंने चैनल बनाया था, ये बनाया था ट्रैवल के हिसाब से। जो मेरा प्रोग्राम था कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊंगा, मैं पहले भी जा चुका हूं, पर मुझे इतना मालूम नहीं था कि चैनल का तो भी कुछ मसले चल रहे, तो इस वजह से मैं अभी तक आउट ऑफ कंट्री नहीं जा पाया हूँ पिछले 5-6-7 महीनों में। चलो ठीक है भाई, अभी भी मैं आपको और कुछ दिखाऊंगा। अगर मसला ये है ना कि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ कंटिन्यू, क्योंकि मैं भी वो जानता हूँ कि कंटिन्यू वीडियो बनाने से फ़ायदा होगा। एक महीने के बाद वीडियो डालना ये कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि घंटा घर पे जो दोस्त आया होगा, जो वीडियो देख रहा होगा, जो आया होगा दोस्त है, उसको पता होगा कि घंटा घर पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, हद से ज़्यादा भीड़ होती है, और पीछे ट्रैफिक वाले खड़े हैं, और यहाँ पे गाड़ी लेकर आना बहुत बड़ा मसला है, और गाड़ी लेके आना मसला है, गाड़ी खड़ी करना मसला है बहुत बड़ा। मेरी गाड़ी थोड़ी इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मुझे खुद एक भाई साहब खड़ा था, उसने कहा कि यार आप यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दें बिना टेंशन के लिए। और जो मुझसे पहले यहाँ पे खड़े थे, वो अभी तक जो है ना वहाँ बीच सड़क पे खड़े हैं, उसको किसी ने रास्ता नहीं दिया। बस यहाँ पे दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है भाई, कोई ना कोई हम पे मेहरबान हो जाता है। कहीं भी निकलता हूँ, कोई ना कोई मेहरबान हमें हो जाता है। मैं जो है ना सऊदी गया हूँ, दुबई गया हूँ, तो जब मैं एक बार दुबई गया था, दुबई मतलब मैं ऐसे नहीं गया हूँ, दुबई मेरी जो है ना कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो मैं कुछ टाइम दुबई बता। तो दुबई की सिक्योरिटी ख़ास करके इकोनॉमी क्लास के लिए बहुत सख्त होती है। चलो ठीक है दोस्तों, थोड़ा काम मैं भी कर लूँ, क्योंकि अभी रात होने वाली है और वापस भी जाना है। यहाँ से मेरे हिसाब से 40 से 45 किलोमीटर का फासला जो होगा मेरे घर तक, ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। फिर आपसे लेते हैं इजाज़त, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड किया करूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, सब ठीक है? उम्मीद है कि आप ये सब ठीक होंगे। वही कार, वही मैं। अभी मैं जो इस वक्त आया हूँ सक्खर और बिल्डर में, सक्खर पे एक इलाका है और बिल्डर, बाहरी बाईपास पे है। तो वहाँ पे एक प्रोग्राम था अपना, तो वहाँ पे मैं अभी आया हूँ।